भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। सभी गोप बाल सभी भगवान ने कन्हैया के जन्मोत्सव में नाचने लगे हैं, आनंद लेने लगे हैं, बाबा को बधाई देने लगे। बाबा नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बाबा नंद बाबा ने ब्राह्मणों को गौ दान किया, बाबा नंद ने गौवे दान किए। बड़ा उत्सव मंगल मनाया गया है, मेरे गोविंद आया है और हम सब कल भी यहाँ उत्सव मनाएं। अब आगे भगवान जी के बाल लीला का दर्शन हम सब करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहे परीक्षित, अब तुम्हें शेष दो दिन की कथाएं और बज गए हैं। आज पांचवा दिवस, कल छठवा उपवास, सातवा दिवस। तुम्हें सात दिन के अंदर सर्प के काटने से मृत्यु होगा। तुम यहाँ से चले जाओ, प्राण छोड़ना होगा परीक्षित। और चलिए हम भगवान जी के बाल लीला में जाते हैं। भगवान कृष्ण का अभी नामकरण नहीं हुआ है, मेरे ठाकुर का नामकरण नहीं हुआ है। कंस को पता चला कि आठवां नंबर काल जन्म ले लिया है, देख राक्षसी को भेजा। उस राक्षसी का नाम है पूतना। ये पूतना कौन है? अविद्या है, अविद्या। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना, जिन्हा सयापि हरिये स्थणम दत्ताप सजगतिम। पूतना बालघातनी है। पूतना से कंस ने कहा, पूतना तुम जाओ गोकुल और जाकर के जो बालक वहां जन्म लिया है उसे मार करके आना। पूतना के बालक को मारना ये तो छोटी मोटी बात है, मैं तो वही जाऊंगा जाकर के मार के आ जाऊं। पूतना राक्षसी है, अविद्या रूपी पूतना, अज्ञान रूपी पूतना। भगवान कृष्ण को मारने के लिए चला गोकुल में और वहां नंद उत्सव बढ़िया मनाए थे, सब लोग थक गए थे, सोए हुए थे बालक। पल्ला में माँ लोरी गा के सुना के सुलाई, सो जा लाला सो जा, रेशम फल नम सो जा। माँ ये लोरी गा रही है, तुमको वो सुला रही है, सो जा लाला सो जा, रेशम फल नम सो जा। माता हो मैया, भगवान कृष्ण को ना लोरी गा के ना भगवान को सुलवाए सुला दिए थे माने, और बालक सो गए। पूतना राक्षसी भेष है, अपनी राक्षसी भेष को छुपा ली और एक सुंदर कन्या को पकड़ करके अब गोकुल में प्रवेश की है। माँ यशोदा के द्वार पर गई और जाकर के पूतना दरवाजा खटखटाई है, ओ मैया ओ मैया। उठो, कौन? माँ मैं पूतना, मैं चूड़ी बेचने के लिए आई। माँ कुछ लेना चाहती हुआ? माँ ने कहा, नहीं बहन, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो पूतना ने कहा, माँ हमने सुने हैं आपके घर में लाला भयो है, बालक आयो है, हमने सुने हैं माँ, तो हम दर्शन करना चाहते हैं भैया, क्या बालक का दर्शन आप करा सकती हो? तो भगवान जो पल्ला में सोए हुए थे गोविंद, माँ ने कहा, मोर बालक अभी सोए है, वो मेरे बालक अभी सोए हुए हैं, नहीं उठेंगे। माँ हाँ दर्शन करना है, माँ दर्शन तो करा दो, ठीक है चलाओ। जैसे लेकर के पूतना को लेकर के घर में गए, तो पूतना कौन है? पहले जन्म के रत्नमाला है, राजा बलि की बहन, जिन्होंने कहे कि अगर ते हम मोर गर्भ से होते तो मैं अपने स्तन में दूध नहीं जहर भर के पिलाते हूं। भगवान बोले, जा मैं तोर घर आऊं या ते मोर घर आऊं, और तो दूध नहीं ते मोर जहर पिलावे पीऊं। पुत्र अपने स्तन पर जहर भर के गए पिलाने के लिए।
माँ बालक को पकड़े पहलना से निकाले और कहे बहन ये बालक एकदम हो वो ये दे मोर लड़का है मोर जन्म है। अच्छा माँ बहुत सुंदर लड़का है। बोले हाँ लेकिन पूतना विचार कर रही जब तक माँ है तब तक मैं उनके बालक को पकड़ करके मैं अपने स्थान से जहर नहीं पिला पाऊंगी तो मैं क्या करूँ। तो भगवान ने मन ही मन विचार की पूतना चिंता न करो वो भी कार्य बनेंगे। चूल्हे पर आग आग जल रही है। आग में माँ दूध का पात्र गर्म करने के लिए दूध रखे थे। गोविंद ने अपनी मायाओं से आग को धधका दिए। आग जोर से जलना चालू हो गया। दूध ऊपर करके चूल्हे में गिरना चालू हो गया। जैसे गिरना चालू हो गए तो दूध का सुगंध आया। पूतना कहने लगी माँ यशोदा बोले हाँ आपने कोई आग में कुछ रखे हैं क्या। बोले हाँ दूध रखे हो बहन। माँ लगता है दूध गिर रहा है आग में आप जाइए। और स्वयं माँ कहे हाँ बहन मैं जा रही हूँ। और बालक को पूतना को दे दिए और माँ किचन में प्रवेश की। पूतना तो यही चाह रही थी कि मुझे संतान मिल जाए तो मैं अपने स्तन से दूध नहीं जहर पिलाऊं। और बालक को किसको दे दिया पूतना को। और माँ चली गई वहां से किचन में। अब दूध पिलाना है। पूतना अपने स्तन से जहर पिला रही है। पीले बेटा पीले अब तुम मर जाओगे प्राण छोड़ दोगे। पूतना कह रही है अविद्या रूपी पूतना है अज्ञान रूपी पूतना है। और अज्ञान रूपी पूतना जब आवे तो समझ लेना हमारे कार्य नहीं बन सकते। लेकिन अज्ञान रूपी पूतना गोविंद के सामने नहीं चल पाएगा। अविद्या गोविंद के सामने नहीं चल पाएगा। ज्ञान जो है ज्ञानी व्यक्ति का संगत करोगे तो ज्ञानी बनोगे। अज्ञानी का सत्संग करोगे तो अज्ञानी बनोगे। नशा सेवन करने वालों के साथ बैठोगे तो कहीं ना कहीं नशा सेवन करने से जाओगे। पूतना जहर पिला रही एक ही संग जहर पी लिए दूसरा स्तन पिलाए जहर चलो पियो अब तुम प्राण छोड़ दोगे प्राण छोड़ दोगे। अब हो गया माँ किचन में ही है ये पता ही नहीं चलिए दृश्य। माँ बालक कहे अब इस तरह जहर पी लिए होंगे चलो उठो चलो हटता हटो यहाँ से। तो भगवान ने कहा अविद्या रूपी पूतना अगर मैं जिसे पकड़ लेता हूँ उसे छोड़ता नहीं हूँ। भगवान ने अपने मुख से स्तन दबा दिए और जैसे दबाए पूतना व्याकुल हो गई। छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो नहीं छोड़े। पूतना अपने राक्षसी भेष में आ गई। आकाश मंडल की उड़ना चालू कर आकाश में उड़ रहे बालक की स्तन पकड़ करके झूल गए आकाश में। जैसे आकाश में भगवान को लेकर गए एक मुष्टि प्रहार गोविंद ने पूतना के छाती पर मारा। पूतना धड़ाम से बीज जंगल में गिर गई। प्राण छोड़ दी पूतना ने। अब क्या रूप पूतना का वध हो गया। परमात्मा को मारने के लिए जाया है तुम्हारे ज्ञान परमात्मा के सामने नहीं चल पाएगा। तुम वही तक ही सिद्ध हो गोविंद के सामने भी अपना लीला नहीं करना। अविद्या रूपी पूतना को दौड़ करके जा करके कहे माँ यशोदा बोले हाँ हमारे लाला कहाँ है माँ लाला कहाँ है माँ। अभी तो थी बहन अभी अभी यही थे तो माँ किसको दिए हो। एक बहन आई थी उनको हम बालक को दे दिए हैं माँ। माँ वो कोई बहन नहीं वो राक्षसी है राक्षसी और मारने के लिए आई है। कहाँ है वहाँ नहीं है वो तो बीच जंगल में। माँ दौड़ के चली हाय बेटा हाय बेटा हाय बेटा गए बीच जंगल में। पूतना का शरीर मरा पड़ा। पूतना के छाती पर भगवान मुष्टि प्रहार कर रहा है मार रहे हैं। ऐ पूतना मुझे दूध पिलाओ ऐ पूतना मुझे दूध पिलाओ बोल बोल रहे भगवान। भाई मर गए तो कैसे दूध पिलाए। माँ गई देखे तो बहुत बड़े पूतना का विशाल शरीर छाती में चल के भगवान नाच रहे हैं। वहाँ आप पुष्टि प्रहार कर रहे हैं। वहां से निकाले तो सीढ़ी लगा करके भगवान को नीचे उठा रहे हैं। अब भगवान को लेकर के जा रहे हैं। मैया आप सबके बालक को जब नजर लग जाता है तो आप अपने बालक का नजर उतारते हैं ना। उसी प्रकार यशोदा माँ के बालक को नजर लग गया। कैसे लग गया सुनिए। पीछे पूतना का शरीर जल रहा है और यशोदा माँ अपने बालक को पकड़ करके जा रही है। अपने शरीर पर अपनी अपने छाती पर लगाए हुए माँ अपने अंग से बालक को लगाए और जा रही है सीधा। अब पूतना का शरीर किधर जल रहा है पीछे।
तो आप सोचिए बालक को ऐसे पकड़ेंगे तो बालक सामने देखेगा कि पीछे देखेगा भाई, निश्चित है वो पीछे देखेंगे, वो बालक पीछे देख रहा है और पीछे कौन है, पूतना का शरीर जल रहा है। सखिया कहने लगी बहन लग रहे वो हमर लड़का के ना नजर लगे, हमर लड़का नजर लग गए है, साक्षात गोविंद को नजर लगेगा, लेकिन ये बालक का स्वभाव और भगवान बालीला कर रहा है। सखिया कहने लगी बालक को बुखार लग गए, नजर लग गए। एक सखी का भाव यशोदा कहने लगी है क्या